रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पुनर्वास स्थल नया हरसूद में लॉकडाउन का उल्लंघन कर डॉक्टर द्वारा सर्दी खांसी के मरीज का इलाज करते हुए पाए जाने की सूचना प्रशासनिक अमले को लगी। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और दवाखाने को सील कर दिया है। रविवार की सुबह 11 बजे पुनर्वास स्थल हरसूद के सेक्टर नंबर 5 में डॉक्टर मनोज गुजराधी क्लिनिक पर बिमलाबाई पति आशाराम निवासी सत्तापुर का इलाज करते हुए पाए गए। एसडीएम डॉक्टर परीक्षित झाड़े, तहसीलदार स्वाति मिश्रा सहित अमले ने दवाखाने को सील कर कार्रवाई की है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी ने मरीजों का हाल भी जाना है। 6 और 7 क्षेत्र में पहुंचे हैं और वहां उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा नगर CMO मिलन पटेल को कंटेनमेंट क्षेत्र में वाटर सप्लाई संबंधी और अन्य समस्याओं के निराकरण के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। पाया गया कि डॉक्टर गुजराती द्वारा जो कि DHMS CCS क्वालिफिकेशन है जिनका, उनके द्वारा एलोपैथी की दवाई मरीजों को दी जा रही है। हॉस्पिटल के निरीक्षण में पाया गया कि इनके द्वारा पेशेंट्स को स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक इत्यादि जो दवाई है जो इनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो दे नहीं सकते हैं, तथा सलाइन वगैरह जैसा है सलाइन में डाल के इंजेक्शन देना वगैरह, ये पाया गया है। इसलिए इनकी हॉस्पिटल आज सील की। इनके अलावा ये भी जो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो बताया गया था कि सर्दी खांसी के मरीजों की जानकारी ऑनलाइन आपको गूगल फॉर्म में देना है, वो भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। सर, ये कारण DHMS जो डिग्री लेके यहाँ मतलब उपचार कर रहे हैं डॉक्टर, इस मामले में क्या कार्रवाई? DHMS मतलब वो आदमी होम्योपैथी की दवाई लेने में सक्षम रहता है। जी जी, क्योंकि ये होम्योपैथी की दवाई नाम के लिए दिखते हैं। जी जी। और मेनली हमने पेशेंट से पाया गया कि वो एलोपैथी दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इस कारण उनको हॉस्पिटल सील कराया गया।